नमस्कार, मैं विवेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं 7i न्यूज। इस वक्त हम लाहार में हैं और यहाँ के जो वर्तमान विधायक, जो कि पिछले 30 सालों से लाहार विधानसभा पे अजय रहे हैं लगातार, डॉक्टर गोविंद जी, जो कि आज हमारे साथ हैं 7i न्यूज के साथ। आइए जानते हैं क्या रुझान है उनका, क्या कहना चाहेंगे, उनका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, वो लगातार कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे और कब तक जीतते रहेंगे, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, स्वागत है हमारे चैनल 7i न्यूज में। धन्यवाद सर। आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ? मैं स्टूडेंट लाइफ से जबलपुर विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे, जी सर, उस समय मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था जी। और जबलपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है उसमें जनरल सेक्रेटरी रहा, और उस समय जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था समूचे देश में, उसमें जयप्रकाश जी के आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका अदा की, छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ी, और उसी सोच के चलते देश को सुधारने परिवर्तन करने का मन बना और उसी के तहत राजनीति में आने का निर्णय लिया। सर, ये लाहार, ये जो आपकी विधानसभा है, यहाँ पे आप पिछले 6 बार से विधायक रह चुके हैं, क्या क्या विकास कार्यों को लेके आपने, मतलब इस लाहार विधानसभा में कितना परिवर्तन किया, क्या क्या आगे आने वाले विधान में जो भी आप विकास करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान स्थिति के बारे में जो लाहार की है? वहाँ जहाँ तक सवाल विकास का है, तो आज से 30 वर्ष पहले का लाहार, अगर आप नक्शा है तो वो देख लीजिए, 30 साल के आज का देख लीजिए। लाहार किसी भी ज़िले में और आसपास के ज़िलों में विकास के मामले में कभी पीछे नहीं है, और मैं तो ये भी कहता हूँ दावे के साथ, अगर सही गणना की जाए या मूल्यांकन की जाए तो लाहार आसपास के ज़िलों में विधानसभा क्षेत्र में तहसील स्तर का सबसे विकसित, सबसे मतलब मजबूत विधानसभा क्षेत्र है आज, और एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें पक्की सड़कें नहीं हो। केवल हमारी 24 सड़कें बची हैं, वो भी उनका अभी टेंडर हुआ है जो मुख्यमंत्री सड़क बनाए डमरीकरण के लिए। तो अब हमारे जिसमें 50 वोटर भी हैं इस गांव में, वो भी 6-7 महीने के बाद नई नेपदा जो लग रही है उसके बाद हम एक गांव नहीं बचेगा, जबकि आसपास के ऐसे कई ज़िले हैं, भिंड ज़िले में ही ये विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सड़कों का इस तरह का जाल नहीं फैला है। सर, अगर आप 7वीं बार विधायक बनते हैं लाहार विधानसभा से, तो लोगों के लिए ऐसे क्या प्रोजेक्ट हैं या क्या विकास कार्य हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं 7वीं बार, या और कितना आप डेवलप करना चाहते हैं आप लाहौर? देखो, जीतना तो सुनिश्चित है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि जीतेंगे, जीतना तो 100% है। सर, दूसरे प्रत्याशी जो बीजेपी से हैं या दूसरे पार्टियों से हैं, आप कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है, जो कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें जनता का अनुभव है, 30 रात दिन 24 घंटे जनता के सुबह से शाम तक काम करते हैं, मजदूर जो है 8 घंटे काम करता है, 400 रुपये लेता है, हम बिना पैसे के मजदूर हैं इसके साथ बिना, उसके बाद भी ये लोग जो चुनाव लड़ने आते हैं, जो 5 साल में जब चुनाव आता तब दिखते हैं, इसके बाद जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होते, कहाँ क्या समस्या है, कौन परेशान है, कहाँ बीज है, सिंचाई हो रही कि नहीं हो रही, नहरें आ रही या नहीं आ रही, इसलिए जनता इनको ठुकराती है। हम कोई ऐसी घमंड भरी बात नहीं करते, हम तो अनुभव के आधार पर जो गाँव में हमारा समर्थन हमें दिख रहा है उसके आधार पर, जनता के संपर्क के आधार पर कह रहा हूँ कि चुनाव में हमें कोई खतरा नहीं है, और ऊपर वाले की मेहरबानी है, जनता का आशीर्वाद लाहार की हमारे साथ है। सर, यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सड़कें हैं, या और कहें एजुकेशन सेक्टर हैं, जो छोटे मोटे स्कूल हैं, उनकी जो हालत है और वो कितना अभी तक विकसित हो पाए हैं, या आगे और उनको आप कितना विकसित करना चाहते हैं जो कि लोगों को लाभ मिल पाए? विकसित तो मैं पूरा कर चुका था, ऐसा कोई गाँव नहीं बचा था जिसमें 1000 की आबादी थी, वहाँ मिडिल स्कूल बनवाए थे हमने स्वास्थ्य सुविधाएँ बनवाई। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 10-12 सालों में 3-4 सिविल हॉस्पिटल बने हैं, उनमें हमने लाहार का हॉस्पिटल हमारा बना हुआ है। सर, आप गृह मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के, आपका गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना या वहां तक पहुंचना कैसा रहा और क्या कारण थे जो आपने गृह मंत्री का पद छोड़ा? नहीं छोड़ा, उस मुख्यमंत्री के मेरा स्वयं इच्छा नहीं थी विभाग बदलने की, क्योंकि गृह विभाग जो ऐसा है वो जनता के टच वाला विभाग नहीं है, वो केवल जनता पर कंट्रोल करना, कानून व्यवस्था देखना,
हम 24 घंटे आम जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं और जनता के रहने वाले व्यक्ति हैं तो हमें जनता के बीच रहना पसंद है और पुलिस से हाँ इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन करके निवेदन किया था कोई दूसरा विभाग दे दें जिसमें हम जनता के बीच रहकर काम कर सकें। सर कब आने वाले समय में कब तक आप चुनाव लड़ते रहेंगे या इस पद से भी कब इस्तीफा देंगे या आप ऐसा कभी मानेंगे कि एक उम्र का चुनाव आएगा और मैं भी जो विधायक का पद है उससे भी विधायक लड़ने का पद छोड़ूंगा? नहीं, इस्तीफा तो देने का कोई सवाल ही नहीं है। जब विधायक बनेंगे तो जनता जो विश्वास करेगी जनता के साथ विश्वासघात करना हमने सीखा नहीं है। अगर जनता में जनता चाहेगी तब तक आप विधायक बनते? नहीं, जनता हमारे जनता से निवेदन कर लेंगे हम इस बार हमारा अंतिम चुनाव है इसके बाद हम कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो लहार विधानसभा की जनता है यहाँ की जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आप वो आपको फिर से वोट करें और आप फिर से विधायक के रूप में आए उनके साथ? जनता सब समझदार है, जो हम कर जनता कर चुके थे अपने आप हमें जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। मैं चुनाव में ढंग प्रचार भी नहीं करता, सब जगह गाँव के कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, वो स्वयं हमारा चुनाव लड़ते हैं, स्वयं सब जिम्मेदारी उठाते हैं। जब जनता जिम्मेदारी उठा रही हो तो हमें लड़ने की ज़रूरत क्या है, तो इसलिए उनसे हमें कोई उनके लिए कोई आह्वान नहीं करना। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो लहार है यहाँ पे कांग्रेस से आप विधायक हैं, कहीं ना कहीं किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको एक विधायक के तौर पर जबकि एक सरकार आपकी केंद्र में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, लेकिन यहाँ आप ऐसे देखिए आज हमारी लहार में पूरी सरकार कांग्रेस की है। पिछले 30 वर्षों से लहार और जनपद रोहन ब्लॉक हैं उनमें कांग्रेस के हमारे साथी कब्जे हैं। 4 नगर परिषद हैं लहार विधानसभा, इसे 4ों पर कांग्रेस के हमारे बहुमत के साथ पार्षद अध्यक्ष हैं। हमारी 2 मंडियाँ कमेटियाँ हैं जो आधी हमारी दूसरी जो मंडी इसमें महगाँव में लगती है, लेकिन दोनों 30 वर्ष से दोनों कांग्रेस की हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ पूरे कांग्रेस के हमारे साथी मित्र लोग बैठे। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। 2 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया। नौजवान क्या कारण है कि आज पिछले 7-8 वर्षों में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की? आज समाचार पत्र उठा के देखो, एक दो दिन भले ही छूट जाए, एक दो दिन के बाद प्रत्येक नौजवान लड़के लड़कियां बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहे, पूरा उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार, ऐसे नियम कायदे बनाए, नियम कायदे जनता के हित के लिए होते हैं। शिवराज सिंह ने ऐसे नियम बनाए हैं कि गाँव का, किसान का, मजदूर का, छोटे कस्बे का नौजवान लड़का बेटा बेटी रोजगार नहीं पा सकता। कई जगह कल हम परसों अचलपुरा हमारी मीटिंग थी, अचलपुरा ग्रामीण करीब 6,000 की आबादी का गाँव है, मैंने वहाँ पूछा, ऑनलाइन परीक्षा होती है सिपाहियों की, राजरक्षकों की, क्लर्कों की, मास्टरों की, गांव में कंप्यूटर नहीं है 6,000 में। मैंने पूछा कितने, एक लड़के नहीं जानता, कंप्यूटर 50,000 का आता है, वहाँ बिजली नहीं है, कहाँ से चलाएंगे ऑनलाइन? भाई जब जो लहार जिले के या जो ये जो लहार विधानसभा है यहाँ के जो युवा हैं उनको लेके आज तक आपने क्या किया उनको रोज़गार को? कहीं ना कहीं सरकार अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पे वर्तमान आप विधायक हैं, आपने जो यहाँ के बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए आपने आज तक क्या क्या रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए? पिछले 15 वर्षों में रोज़गार के उपलब्ध कहीं नहीं, प्रदेश में नहीं हुए, 4.5 लाख से अधिक पद खाली डले हैं। पूरा नौजवान आज दर दर ठोकरें खा रहा है, पढ़ा लिखा इंजीनियर, और इसके साथ ही साथ हम नियम बदलेंगे। हम 10 वर्ष में जब कांग्रेस की सरकार थी हमने अकेले लहार विधानसभा के क्षेत्र के नौजवानों को सास की गैर नौकरियां लगवाने मदद की है, उनकी रोज़गार मिले हैं। लहार अकेले विधानसभा क्षेत्र से 10 वर्षों में 4,000 लड़कों को रोज़गार मिला था, आज रोज़गार ठप है। आज स्कूल में मास्टर नहीं है, खाली पड़े अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, 6-6 हलकों पर 1-1 पटवारी है, पूरे पद खाली पड़े हुए हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था जी प्रशासनिक व्यवस्था वो पूरी चौपट हो गई है, भ्रष्टाचार का आलम है, चौतरफा लूट मची हुई है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और यही कारण है कि अब जनता ने तय कर लिया है कि अब आने वाले चुनाव 2018 में नवंबर चुनाव में किस माननीय शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं और उनको इस प्रदेश से
हटा के ही चैन से बैठेंगे। ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह, जो लगातार 30 सालों से विधायक रहे लाहार विधानसभा में। इन्होंने क्या विकास कार्य किए, क्या इनका आगे का प्लान था और ये कब तक विधायक पद पे रहना चाहते हैं, इन्होंने खुद बताया 7 आई न्यूज़ में। कैमरामैन आदर्श साहू के साथ विवेक उपाध्याय, लाहार।